गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स नमस्कार जय हिंद स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन दैट इज आई एस टॉपर्सने से पहले बताइए गुड मॉर्निंग ऑल द ऑफिस सचिन यश शिवम राखी अविनाश अपूर्व एंड ऑल अदर्स आउट नमस्कार आप सभी लोगों को सेशन शुरू हो गया है आज थोड़ा डिले हुआ सेशन में आई एम रियली सॉरी फॉर इट सो सेशन टाइमिंग आज डिले हुआ है डोंट फोकस अपॉन दिस नाइन ओ क्लॉक पर ही सेशन रहेगा यस yes. तो चलिए बढ़ चलते हैं यस yes, यस yes, मुकेश चैतन्य एवरी वन आउट हेयर गुड मॉर्निंग दिस इज डॉक्टर अनुराग पैशनेट यूपीएससी मेटर एक्सपर्ट इन द फील्ड फॉर द पास्ट

आज है ट्वेंटी नाइंथ नोवर दो हजार तेईस ओनली वन सेवेंटी सेवन डेज टू गो फॉर द प्रीलिम्स लीव एवरीथिंग स्टूडेंट्स नाउ फोकस अपॉन द प्रीलिम्स प्रिपरेशन सब कुछ छोड़ दीजिए जो भी काम है एवरीथिंग कैन वेट यूपीएससी प्रिपरेशन कैनॉट वेट और आप देख रहे हैं टाइमलाइन प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दीजिए दिसंबर एंड तक ऑप्शनल आप देख सकते हैं दिसंबर एंड के बाद ऑप्शनल भी छोड़ दीजिएगा तैयारी में फोकस पूरा सीसेट के ऊपर और जीएस प्रेम के ऊपर और आई एस टॉपर्स मंत्र आपके साथ है इस तैयारी में uh, हम लोगों ने वेरियस ऑफलाइन कम ऑनलाइन फ्री एंड पेड कोर्सेज लॉन्च किए फ्री कोर्सेज में कोर्सैट का कोर्स रीजनिंग एंड क्वांट एवरी ट्यूसडे एंड एवरी थर्सडे चल रहा है ये सेशन और कल क्वांट का भी सेशन है रीजनिंग का भी है देखिए मिस्टर तैयब पठान एंड रीजनिंग बाय डॉक्टर अनुराग सिंह वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन दिस कल चार से पांच घंटे चैट बॉक्स मैपिंग कल आपने हिमाचल प्रदेश की मैपिंग देखी है हम लोगों ने फिनिश ऑफ किया हिमाचल प्रदेश कल हाफ पोर्शन एंड इट वॉज आई सपोज नॉलेज एंड इन्फॉर्मेटिव सेशन था तो ये एवरी ट्यूजडे मैपिंग मैं खत्म करा दूंगा आप लोगों का डिटेल में इंडिया का बेस्ट मैपिंग सेशन ये रहेगा मैं बता दूंगा आप लोगों को टारगेट ट्वेंटी इन मैपिंग सेशन चल रहा है इसके अलावा सक्षम कोर्स पेड कोर्स है लॉन्च किया गया स्टूडेंट्स प्रिलेम्स कमेंस दो के लिए प्रिलिम्स के लिए स्पेशल इंजीनियर किया गया दिस सक्षम कोर्स इन 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री गेव थर्टी एट क्वेश्चन इन प्रेलिम्स टू टाइम एज कम टू टेक अपर्स दो अटैच किए हैं अलॉन्ग विद करेंट अफेयर योजना कुरुक्षेत्र डाउन टू अर्थ पी आई बी इन शॉर्ट टारगेट सेवेंटी चल रहा है इसमें सत्तर सवाल प्रेलम्स में इस बार इस कोर्स से वी आर गोइंग टू ट्राई हार बेस्ट टू टारगेट इट एंड स्टूडेंट्स uh, जिन लोगों को सक्षम कोर्स लेना होगा दे कैन कॉन्टैक्ट अपॉन दिस मोबाइल नंबर ट्रिपल नाइन ट्रिपल एट सेवन थ्री फाइव फोर ट्रिपल नाइन ट्रिपल एट सेवन थ्री फाइव एट तो चलिए बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स देखा जाए आज क्या क्या इंपॉर्टेंट है यस yes, अलग से संकल्प टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया सात हजार पांच सौ रुपए का यह संकल्प टेस्ट सीरीज है टेस्ट सीरीज इज फ्री इन सक्षम मेंटरशिप क्लासेस लेट्स सी स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट ऑफ टूडे सेशन देखा जाए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो सबसे पहले कवर स्टोरी लाइवमेंट के पन्नों से आप सभी लोगों के लिए स्टूडेंट्स कवर स्टोरी दो दो है आज एक लाइवमेंट का एक द हिंदू का है आइए देखा जाए पहला लाइवमेंट का ये कवर स्टोरी कवर स्टोरी का मतलब होता है कोई शॉर्ट डिस्कशन एक बहुत ही गर्म मुद्दे के ऊपर तो ये देखिए कहानी अब तक मैं बता दूं आप लोगों को स्टूडेंट्स दैट uh, इस टॉपिक uh, से रिलेटेड तीन चार चीजें हम लोगों ने पढ़ा है पहला याद कीजिए कुछ डार्क पैटर्न्स इन मार्केटिंग कुछ चल रहा था स्टूडेंट्स पे डिस्कशन और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी कह रही है कि बहुत ज्यादा डार्क पैटर्न देखे जा रहे हैं हर जगह डार्क पैटर्न का मतलब क्या है? मैं बता दूं आपको स्टूडेंट्स इट्स वेरी कॉमन इन द ऑनलाइन एप्स वाइन यू आर परचेजिंग एनीथिंग तभी जाकर आप आगे बढ़ पाइएगा और बाकी चीजें डार्क पैटर्न्स मार्केटिंग में चल ही रहा था देखिए ये ई कॉमर्स का एक बहुत ही या कैपिटलिज्म का एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है स्टूडेंट्स अभी इस पर डिस्कशन चल ही रहा था डार्क पैटर्न्स पे कि नया मुद्दा ज्वलंत हो गया इस जगह पर

नोटिस भेजा ये सेकंड मुद्दा डार्क पैटर्न का ये देखिए नोटिस इट सेड दैट जिस जिस बच्चे को आप क्लेम कर रहे हैं उसका फॉर्म दिखा दीजिए कि वो एनरोलमेंट किसमें किया था ये देखिए या उसका फीस रिसीट फीस रिसीट की बात की गई शो द फीस रिसीट दैट द स्टूडेंट सो नन ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट विच हैड क्लेम द स्टूडेंट्स दे रिसीट्स

किसी को एक लाख का किसी को पांच लाख का किसी को पास पैसा था दे दिया गया किसी के पास पैसा ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी कंपनी लगभग डूबने के केगार पे खड़ी है ईडी के नोटिस जा रहे हैं, एंड रिजल्टेंट रिजल्टेंट द कोचिंग इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने की बात आ गई और अब देखिए नया ये आ गया है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीओपीटी की तरफ से ये आ गया है एक नया

Uh, अपना एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू लेने के लिए अपना फोटो देने के लिए और ये बहुत जरूरी था स्टूडेंट्स। तीसरा मुद्दा इसमें चल ही रहा है और मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन है उसे भी खत्म करना चाहिए यूट्यूब चैनल्स पर आई एस आई पी एस ऑफिसर शुड नॉट कम अप। नो, देयर शुड बी कंप्लीट अनोनिमिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन दे आर नॉट मेड फॉर मेकिंग यूट्यूब रील्स एंड शॉर्ट्स सो दिस कम्स ये नोटिस कब आया है This comes after a CCPA inquiry concluded that the way coaching institutes use photos of IES toppers in their ads falls under misleading advertisements and unfair trade practices. Misleading and unfair trade practices. So ab students concept ad ka or marketing ka agar content nahira So they cannot, any institute cannot claim the toppers without. दे कैन क्लेम द टॉपर्स ओनली टिल टॉपर्स डोंट जॉइन द सर्विसेज वंस दे जॉइन कंप्लीट बैन लगा दिया गया क्या ये होना चाहिए था मुझे बताइए बिल्कुल होना चाहिए था स्टूडेंट्स बिल्कुल होना चाहिए था यूपीएससी के इस पूरे समुद्र में समुद्र में ये देखिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स uh, uh, है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स हैं यहां पर केवल मॉक सेशंस मैं बता दूं आपको केवल मॉक सेशंस देने की बात होती है इंटरव्यूज की एंड देन दे क्लेम द कंप्लीट सक्सेस ऑफ द कैंडिडेट सो इट्स बेटर ऑफ कंटेंट पे फोकस रहेगा तो मार्केट भी सही रहेगा आप कहिएगा सर आपने ये क्यों मुद्दा शुरू किया ये मुद्दा मैं बहुत दिन से डिस्कस कर रहे हैं डार्क पैटर्न्स को लेकर ये डार्क पैटर्न्स को लेकर पूरा एक अब रेगुलेशन आने का समय आ गया है एक नया एक नया कानून एक नया रेगुलेशन इट शुड कम अप इन द फील्ड बिकॉज आई ओनली बिलीव इन वन कंसेप्ट कंटेंट शुड बी मोर इम्पोर्टेंट देन एडवर्टीज इन द ऑफ़ सोशल मीडिया एंड इन द एरा ऑफ कैपिटलाइजेशन कैपिटलिज्म इन दिस एरा रिसीडेड टू द बैकफुट कंटेंट कहां चला गया है किसी को नहीं चिंता है बस एक बड़ा फोटो एक तीस सेकेंड का वीडियो और इसी पर पूरा संसार चल रहा है इसमें सौ में निन्यानवे बार जो भी ये कंटेंट मैं मैं भी बोलता हूं जो मार्केटिंग के लिए इतना टाइम निकालता है वो कंटेंट कब तैयार करेगा मुझे तो नहीं समझ में आता है और बच्चा लोगों को भी ये सोचना चाहिए यस yes. बच्चा लोगों को भी जो लोग बच्चे लोग ज्वाइन करते हैं इवन आई देम दैट ओके सो यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन टेकिंग अप

या, कोई कुछ भी कहेगा आप कर लीजिएगा नो नॉट एट ऑल कंटेंट शुड बी मोर इंपॉर्टेंट चलिए ये पहला टॉपिक था स्टूडेंट लाइबेंट से मुझे लगा कि पहले डिस्कस करना चाहिए डिटेल्स और मैं पुटअप कर दूंगा नोट्स में चिंता मत Second, Second, मुद्दा बर्निंग टॉपिक दुबई में मीटिंग होने वाली है students. ये देखिए दुबई में मीटिंग होने वाली यहां पे वही कंसेप्ट कंटेंट पर किसी का फोकस नहीं सब कोई बातचीत बातचीत पता नहीं क्या डिस्कशन डिबेट और बातचीत से मिलता है जो काम से नहीं मिलता है द होल वर्ल्ड इज फोकसिंग ओनली अपॉन टॉक्स लेट सी क्लाइमेट मीटिंग हो रही है टॉक्स टॉक्स एंड टॉक्स आर गोइंग ऑन एंड टू टू मच टॉक्स ये देखिए लीड्स टू टू लेस रिजल्ट मैं बता दूं आपको क्योंकि जितनी बात कीजिएगा ना उतना आप अपने एम से ऑब्जेक्टिव से विजन से बाहर निकलते जाइएगा ग्रेट पीपल टारगेट समथिंग एंड टू अचीव सक्सेस इज ऑल अबाउट टॉकिंग विद योर सेल्फ रादर देन टॉकिंग विद आउटसाइडर्स यस तो आइए देखते हैं विजन है कि नहीं हमारे पास किसकी बात चल रही है सीओपी की बात चल रही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग होने वाली यूएनएफ ट्रिपल सी की आइए कहानी अब तक में कुछ देखा जाए स्टूडेंट्स फिर हम लोग इस टॉपिक पर आएंगे दुबई में मीटिंग शेड्यूल्ड है इस हफ्ते लेट सी लेट सी स्टूडेंट्स सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज दिस रेगुलेशन आज से सत्तर साल पहले उन्नीस सौ पचास का समय है 1950 का समय है वर्ल्ड वॉर टू समाप्त हो चुका है संसार आगे बढ़ रहा है अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए वर्सेस यूएसएसआर सोवियत यूनियन की फाइट आगे बढ़ गई है दोनों अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करने के लिए कोशिश में लगे हुए और दोनों के दोनों गलत रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं यूएसए ने इसी बात पर आगे बढ़ते हुए सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए एक कंसेप्ट दिया वो कंसेप्ट आज भी विश्व अपनाता है ग्रोथ एंड यू नो वॉट दिस ग्रोथ वर्ड

1960s. Yet 1960s में वियतनाम वॉर एंड अदर प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम एंड उसके बाद 1970s में एंटी डेवलपमेंट थे आता है सामने और उसमें पहली बार मालूम चलता है नंबर्स के ग्रोथ में बहुत दिक्कत है लेकिन दिक्कत शुरू हो गई थी बिना किसी के ध्यान दिए 1960s में इसी में क्लब ऑफ रोम का नाम फेमस होता है क्लब ऑफ रोम वॉज अ मीटिंग ऑफ सम ऑफ द पीपल हुआ

राइट फिलहाल right. इनकी बात हवा में उड़ा दी जाती है लेकिन 1968 के आसपास समझ में आना शुरू होता है कि दिक्कत चल रही है स्टूडेंट्स और वियतनाम वॉर में एजेंट ऑरेंज केमिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल करके यूएसए आगे बढ़ने की कोशिश करता है यूएसए में भी आ, सरकार गिरती है प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन की और उसके बाद द वर्ल्ड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देर शुड बी अ बॉडी

और डोटलैंड कमीशन पहली बार एक रिपोर्ट सबमिट करता है जिससे एक नया नाम सामने आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की ये, थोड़ा ठीक से विकास की ये, तरीके से विकास कीजिए दूसरों को देखकर डेवलप बट अदर्स दिस अप्लाई ओनली टू इंडिविजुअल ऑल्सो डेवलप बट टेक अदर्स इन द रन दैट्स इट क्योंकि यहां सेल्फ इंटरेस्ट सामने आने शुरू हो गए थे और ये देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्टीन एटी सेवन में दिया जाता है और उसके बाद एस डी जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिस कम्स अप इन द कॉमन पार्लेंस ऑफ द टर्मिनोलॉजी फिलहाल उधर यू एन ई पी डब्लू एम ओ के साथ मिलकर एक कमिट एक ऑर्गेनाइजेशन uh, सेट करता है इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जानते हैं आप लोग आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी

मुझे बताइए नोबेल पीस प्राइज दो हजार सात का आईपीसी को दिया जाता है और उस समय एक इंडियन लीड कर रहे होते हैं इसे नाम बताइए उस इंडियन पर्सनैलिटी का हुआ लीडिंग द आई पीसी

समिट में एक कन्वेंशन साइन किया था कन्वेंशन एग्रीमेंट वंस यू साइन इट इट बिकम्स बाइंडिंग था और इसको लेकर सीरियस से नेशन एंड समिट नाम ही पड़ा था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ये समिट हुआ था स्टूडेंट्स बातचीत होनी शुरू हो गई थी बातचीत बातचीत और बातचीत यही चल रहा है तब से देखिए

जो डिस्कस करती है सब कुछ हर साल मिलती है और 1995 से इसकी मीटिंग शुरू होती है इसी की मीटिंग सीओपी नंबर no. 28 दुबई में है बताऊंगा नो नी टू वरी तो ये देखिए सीओपी 1995 में बर्लिन में जिनेवा में क्योटो में क्योटो प्रोटोकॉल इज बॉन्ड वेरी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन स्टूडेंट्स ये देखिए उसके बाद अलग-अलग समय दिल्ली में 2002 में ये प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट देखिए ये टॉपिक मेंस के लिए लग रहा होगा प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट देखिए टॉपिक स्टूडेंट्स और सीओपीज कौ, मैक्सिमम कौन से देश में हुए ये भी आपके लिए होमवर्क है व्हिच कंट्री क्योंकि मैं सारे सीओपीज अटैच कर रहा हूं इसमें कहां-कहां कौन सी मीटिंग हुई थी सीओपी दिल्ली में हुआ है 2002 में यस सीओपी कौन से कंट्री में मैक्सिमम हुए ये देखिए

इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया जाता है इंडिया और फ्रांस की तरफ से पेरिस का समिट सबसे सफल समिट था यह कहते हैं और इस समिट में एक वर्ड दिया जाता है ग्लोबल ग्लोबल स्टॉक स्टॉक टेक टेक यस आइए देखते हैं इस वर्ड का मीनिंग स्टूडेंट टू देखिए ग्लोबल स्टॉक टेक क्योंकि उसी पर यह पूरा आर्टिकल बेस्ड है यह सब पढ़े बिना आपको नहीं समझ में आता इसलिए मैंने सब कुछ पढ़ाया यहां पर वट इज ग्लोबल स्टॉक टेक ग्लोबल स्टॉक टेक का मतलब होता है स्टूडेंट्स ये देखिए तो फर्स्ट एवर ग्लोबल स्टॉक टेक सेट टू कंक्लूड एट यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस एट द एंड ऑफ दिस ईयर दिसर द्लोबल स्टॉक आर कलेक्टिवली स्टैंडिंग एंड मेकिंग प्रोग्रेस एंड वेयर दे आर नॉट ग्लोबल स्टॉक टेक मीन ये वही बात बातों जैसे घर में होता है तुमने क्या काम किया तुमने क्या काम किया तुमने तो कुछ नहीं किया तुमने तो बहुत कुछ किया मैंने बहुत कुछ किया तूने कुछ नहीं किया यही सबको ग्लोबल स्टॉक टेक इन शॉर्ट कंट्रीज का डिस्कशन होगा कौन कितना आगे है कौन कितना पीछे इंडिया का रैंक इंडिया इनिशियटिव बट दट द फोकस पॉइंट बट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नॉट अबाउट इंडिया इट्स अबाउट ग्लोबल स्टॉक टेक सो द फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक डिस्कशन ऑफ स्टॉक टेक अ रिव्यू ऑडिट कि कहां हम लोग खड़े हैं किसने क्या काम किया है यह दुबई में डिस्कस होने वाला है स्टूडेंट्स ये देखिए एंड इसके बाद इसके बाद क्या होगा पता नहीं यही तो नहीं पता और इसी पे ये आज का आर्टिकल द हिंदू में आया है कि दोष देना एंड डिस्कस करना तुमने क्या किया मैंने ये किया इसके बाद क्या इसके बाद कुछ होता है मुझे बताइए स्टूडेंट्स चल Does does the success only depends upon finding finding out out faults and finding out who did what, or does it also डज दक्सेसली डिपेंड अपॉन फाइंडिंग ऐसा घर में अगर कुछ परेशानी होती है दोषारोपण चलता है या एक समाज में जहां दोष दिए जाते हैं वैसे ही ये भी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा without even a vision of where we are heading towards. उधर IPCC warn कर कर के परेशान हो गया है that reports आ रहे हैं global warming बहुत तेजी से हो रहा है ठीक से ध्यान से आप लोग काम कीजिए agreement sign कीजिए लेकिन agreement is eluding because no one is a, no one is ready to sacrifice. Yes, that's it. No fruitful results are going to come up. और यहां पर सबसे बड़ी बात है जब कोई सेक्रीफाइस करेगा यानी नहीं कोई भी लेट ऑफ नहीं कर रहा है अपने एम्बिशंस को तो दिक्कत की बात है समाज तभी आगे बढ़ता है जब इंडिविजुअल सेक्रीफाइस करता है समाज कभी आगे नहीं बढ़ता अगर इंडिविजुअल खुद पे फोकस करता है समाज मींस वी इंडिविजुअल मींस आई आउट एर सोसाइटी मींस द वर्ल्ड आई मींस अ कंट्री दैट्स इट

कहां रहना चाहिए था तो यह चीज पर डिस्कशन नहीं हुआ था कि उसके बाद क्या वॉट आफ्टर दैट वॉट आफ्टर दैट आफ्टर फाइंडिंग फॉल्ट एंड दिस इज वॉट इज स्टिल द स्टॉक स्टॉक टेक टेक टेक्स प्लेस एवरी फर्स्ट टू कंक्लूड एट सीओपी ट्वेंटी एट एट दुबई नेक्स्ट वीक डाउन द लाइन एंड इंफॉर्म किया जाएगा कंट्रीज को कि आप आगे हैं आप अच्छे हैं आप बुरे हैं रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा आप कैसे हैं आप ऐसे हैं आप वैसे हैं आप इसमें पास कर गए आप इसमें फेल कर गए हैं आप स्कूल में हैं आप कॉलेज में हैं लेकिन उसके बाद क्या कुछ नहीं पेरिस एग्रीमेंट वैसे ही एक बहुत सफल एग्रीमेंट रहा है लेकिन आइए बढ़ते हैं आर्टिकल की तरफ क्या कहानी अब तक समझ में आ गई स्टूडेंट्स जर्मी नाउ दिस इज द आर्टिकल विच इज कम अपुडे दिस पर्सन राइट्स आउट

समिट्स में भी हुआ है बायोलेट्रल फोरम में भी हो रहा है हर जगह क्लाइमेट चेंज में डिस्कशन हो रहा है हो कुछ नहीं रहा सो द पर्सन टॉक्स अबाउट टू थाउजेंड ट्वेंटी लिबिया में फ्लड्स याद कीजिए यूरोप में वाइल्ड फायर कैनेडा में वाइल्ड फायर इंडिया में फ्लड्स लिबिया में फ्लड्स ड्रॉट इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्लाइमेट चेंज आर राइजिंग लाइक एनीथिंग एवरी वन इज फेसिंग द प्रॉब बट नो वन इज नो वन इज इवन रेडी टू कम अप एंड टॉक अबाउट इट दैट्स इट

एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज एंड पे रिमेन ऑन द बॉयल देखिए ये ज्वलंत मुद्दे लेकिन इसका कोई कंक्लूजन नहीं है यूएस इज नॉट रेडी टू गो ऑफ यूके इज नॉट रेडी यूरोप इज नॉट रेडी इंडिया इज टेकिंग इट्स स्टेप्स बट इसका फायदा क्या है स्टूडेंट्स डिप्लोमेट एड सीओपी आर टास्क देन विज एड्रेसिंग इवन मोर अर्जेंट प्रॉब्लम अंडर चैलेंजिंग कंडीशन फॉर ग्लोबल कॉपरेशन And at the top of the agenda this year is first global stocktake. The author writes, a key part of the Paris Agreement machinery, the GST. GST का मतलब global stocktake है, goods and service tax नहीं है यहाँ पर. Is at the heart of a five yearly ambition cycle, which consists of country pledges for climate action, global assessment of progress through the GST and renewed country pledges. फिर से वही होगा, सारी country से पूछा जाएगा, मांगा जाएगा. अब अब क्या करना है अगले पांच साल में ये देखिए, ये repeat करता जाएगा cycle. यानी 2025 में मांगा जाएगा क्या करना है अगले पांच साल फिर पांच साल ग्लोबल स्टॉक टेक पांच साल के बाद रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा फिर देशों से पूछा जाएगा क्या करना है अगले पांच साल फिर वो अपना टारगेट्स देंगे इन टारगेट्स को कहते हैं नेशनली डिटर्मिट कंट्रीब्यूशन ये देखिए एनडीसी एनडीसी इज लाइक द टारगेट यू सेट कि सर इस बार मुझे रैंक वन आएगा यूपीएससी में एंड देन ग्लोबल स्टॉक टेक इज लाइक सींग द कि कहां पर कहां पर कमी रह गई दैट्स इट लेकिन क्या ये एनडीसी ग्लोबल स्टॉक टेक फिर एनडीसी फिर ग्लोबल स्टॉक टेक क्या ये साइकिल एक विशियस साइकिल के रूप में आगे बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स अगर अगर रेगुलर ऐसे ही होता रहा तो शायद कुछ भी फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा फील्ड के ऊपर यही ये ऑथर कह रहे हैं फिलहाल देखा जाए कि क्या होना इस डिस्कशन में लेकिन तीन चीजें तो क्लियर है इसमें एंड दिस इज वर्ट द ऑथर राइट्स एट द लास्ट

ब्रॉड प्रिंसिपल्स पे एग्रीमेंट हो चुका है आइए देखते हैं क्या अभी तक सीओपीज़ में कंट्रीज दैपिडलीव डिसनेटली आर शेयर गिवन इन दॉपुलेशन सस्टेन डू यू एग्री क्या यह सही फैक्ट है येस yes. और यूएसए एक्सेप्ट करता है हा गलत किया है मैंने तो क्या कर लोगे तुम गलत किया है मैंने तो क्या कर लोगे तुम्हें ये पहला पॉइंट है सेकंड पॉइंट इकोनॉमिक ग्रोथ प्रेमिस्ट ऑन फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन इज चीपर पर यूनिट रिन्यूएबल्स बट इट्स डिजास्टर। यस एक्सेप्ट किया गलत है गलत है फॉसिल फ्यूल्स पर चीपर पड़ता है डेवलपमेंट लेकिन लेकिन गलत है डिजास्टर स्पेल करता है और एग्री कर रहे हैं तो क्या कर लोगे तुम अमेरिका कह रहा है थर्ड डेवलपिंग कंट्रीज एंड दो विद मिनिम इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर टूडे मस्ट बी कम्पनसेटेडेड उनको कुछ पैसा देना चाहिए मनी उनको टैक्स देना चाहिए यस yes. यस उनको देना चाहिए yes. ये देखिए क्लियर किस चीज में पहला पॉइंट लॉस एंड डैमेज क्या वो फेस कर रही है बहुत ज्यादा डिजास्टर्स यस yes. लिबिया कंडीशन देखिए साउथ एशिया कंडीशन देखिए पाकिस्तान में फ्लड्स देखिए सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स अडेप्टेशन

इतना सब हो गया यस yes, यहीं तक हुआ है पिछले तीस साल में थर्टी इयर्स थ्री एग्रीमेंट्स नथिंग एल्स ये बहुत स्लो प्रोसेस है क्योंकि नो वन इज रेडी टू सेक्रीफाइस ये देखिए अब वापस आते देखिए यहां पर टू मेजर इश्यूज आर एक्सपेक्टेड टेक द स्टेज दिस दिस सीओपी ग्लोबल स्टॉक टेक

चैलेंजेस बहुत है स्टूडेंट्स पता है क्या चैलेंजेस हैं आइए देखते हैं चैलेंजेस एक जगह पर इस पूरे डिस्कशन का एक जगह पर दिस डिस्कशन uh, हो जाए एग्रीमेंट्स एंड चैलेंजेस ये देखिए एग्रीमेंट्स तीन आपने देखे अभी चैलेंजेस ये देखिए एग्रीमेंट्स में पहला एग्रीमेंट मींस पहला दिस uh, एग्रीड uh, यार पहला डिबेट क्या था इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैव एमिটেড मोर एग्रीड इंडस्ट्रियल कंट्रीज More emissions, emitted more, agreed. Second, fossil fuel spell disaster. Third, developing country should be compensated. Compensated. इसका वह स्टोरी साथ प्रेजेंस के अच्छे खासे इनफॉरमेशन मिल रहे हैं आपको C O P S को लेकर चैलेंजेस पहला चैलेंज नो वन इज रेडी टू लीड ये देखिए क्योंकि सबको लग रहा है कि मैं क्यों मैं क्यों और मैं क्यों इसे लीडर नहीं कहते हैं लीडर क्या होता है मैं मैं ही मैं क्यों नहीं मैं क्यों नहीं और मैं क्यों नहीं तो यहां देखिए नो वन इज रेड टेक द लीड सेकंड डेवलपिंग कंट्रीज इवन डोंट नो कितना पैसा मांगा जाए ठीक है सेकेंड चैलेंज फाइनेंस फाइनेंस में दो फाइनेंस लॉस एंड डैमेज फंड ये देखिए कितना नुकसान हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज का एंड सेकंड अडाप्टेशन फाइनेंस थर्ड पॉइंट टेक्स शेयरिंग डेवलपिंग कंट्रीज कह रही है हमें टेक दो हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है डेवलप कंट्रीज कह रही है टेक देंगे पैसा निकालो तो दिक्कत की बात है अभी कुछ दिन पहले डिस्कशन हुआ था ओईसीडी कंट्रीज ओवरसीज डेवलपमेंट फंड ओडीए याद कीजिए जस्ट वन वीकस्ट ओडीए में कुछ पैसा डेवलपिंग कंट्रीज को देती हैं। किस फील्ड में हेल्थ एजुकेशन ओई सी डी कंट्रीज नाइनटीन सिक्सटी वन फॉर्म डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप्ड इकोनॉमीज काम्बर्स है देखिए फटाफट चैटबॉक्स में बताइए मुझे इसका फुल फॉर्म ओ मैंने पढ़ाया अपनों को वन वीक बैक क्लियर सो ओडीए एंड ओई सी कंट्री अब क्या कह रही है हेल्थ में पैसा दे रही है एजुकेशन में पैसा दे रही है अब क्या कर रही है क्लाइमेट चेंज में किसी ने कहा कि ऊपर से पैसा दो तो बोल रही हैं हाँ हेल्थ में तो पैसा दे ही रहे हैं ना उस उसपे भी तो हेल्थ पे क्लाइमेट चेंज का असर है पैसा तो दे ही रहे हैं एजुकेशन पढ़ा रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में पैसा दे ही रहे हैं क्लाइमेट चेंज भी मान लो इसी में देखिए प्रॉब्लम फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम दिस

सवाल यही है स्टूडेंट्स मुझे तो बार बार पता नहीं क्यों लग रहा है कि अफ्रीकन कंट्रीज या बाकी जगहों पर भी अनरस फैलाने के पीछे डेवलप्ड कंट्रीज का ही हाथ है अभी भी पता नहीं क्यों एक इंट्यूशन होता है ना यू नो वाई बिकॉज जो ग्लोबल साउथ एक हो रहा था ग्लोबल साउथ ये देखिए दिस वर्ल्ड कम्स ग्लोबल साउथ साउथ कोऑपरेशन उसे तोड़ना उसे आपने देखा होगा वो टूट रहा है धीरे धीरे क्योंकि देश अपने अंदर ही परेशान हो गए हैं और ग्लोबल नॉर्थ एक जगह पर बार्गेन करने को रेडी है क्या है बारगेन मेरा कुछ भी घाटा ना हो इस पूरे फील्ड में इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म विजन का सेक्रीफाइस कर देना एंड रिजल्ट नथिंग इज ऑन बोर्ड नथिंग नो सक्सेस एंड लेट सी व्हाट दुबई होल्ड फॉर अस नथिंग एल्स तो यही है स्टूडेंट्स डिस्कशन कैसा चल रहा है सेशन बता दीजिए मुझे दिस वाज अ डिस्कशन अबाउट सीओपी 28 एंड यस इसमें सबसे बड़े घाटे में लोग कौन हैं ट्राइबल्स इंडिजिनस पीपल ये देखिए इंडिजिनस पीपल का तो ये कांसेप्ट है कि ऑस्ट्रेलिया में उनको एक स्पेशल मींस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए एक प्रपोजल लाया गया इट वाज डिफीटेड दिस इज द डिफीट ऑफ ट्राइबल्स अक्रॉस द वर्ल्ड ये देखिए दिस इज द डिफीट ऑफ पीपल who conserve nature this is the success and the win of those people who destroy the nature across the world <laughs> so this is it now what is going to happen and see uh, having something in the summit and publishing it outside it's like you know what even upsc aspirants have become used to a concept that jab summit hoga naya initiative kiya Usko exam लेकिन वो इनिशिएटिव फेल करेगा हमें भी पता है आइए आगे, आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट सीओपी ट्वेंटी एट का टॉपिक हो गया अच्छे से इट विल टेक समथिंग कॉल्ड एज लीडरशिप स्किल्स फॉर अमंगस्ट एव द पोलिटिकल लीडर्स ऑफ कोर्स टू ट्रेवल्स द अनचार्टेड वॉटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज सिनारियो एमर्जिंग अक्रॉस द ग्लोब इन द करेंट टाइम्स अनचार्टेड वाटर्स मैं अनचार्टेड वाटर्स का मैंने फ्रेज क्यों इस्तेमाल किया क्योंकि नहीं पता है इसको आप कंपेयर कर लीजिए वास्को डगामा या दियाज जो पहले केप ऑफ गुड होप तक आया था इंडिया की खोज में अनचार्टेड वाटर्स एक ऐसे एक ऐसा समुद्र जहां पर कहा शार्क होगी कहां विंड्स आएंगे कहां डूबेंगे कहां तैरेंगे और समुद्र तट पे पहुंचेंगे कि नहीं ये सब कुछ किस्मत पर निर्भर करता है आइए आगे बढ़ते हैं के लिए एक बहुत प्रत्याशन यहां पर लेट मी टेल यू ये जितना सीओपीज है, हैं डिटेल्स दिए गए तलानवा डायलॉग कब हुआ था एवरीथिंग मींस इसके बाहर आपको कोई किताब पढ़नी ही नहीं है आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इकोलॉजी एनवायरमेंट सॉरी नेक्स्ट टॉपिक जीएस पेपर टू इंडियन एंड कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस कल ही आपने न्यूज देखा था इट्स टाइम टू रिवैम द स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कल ये आर्टिकल आया था आज एडिटोरियल आया है जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर कल क्या आपने टॉपिक पढ़ा था स्टूडेंट्स मुझे बताइए जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर आज स्टार्टर ऑल इंडिया सर्विस फॉर जजेस मे नॉट इन्श्योर हायर डाइवर्सिटी ये देखिए ये वैसे ही हो गया है जैसे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स न्यूमरस लॉन्च होते हैं तो एक समय तक एक्साइटमेंट रहता है बाद में यूज हो जाते है कि प्रोग्राम्स लॉन्च होंगे अगर कुछ नहीं इफेक्ट आया तो इससे अच्छा है एक ही दो इनिशिएटिव क्लाइमेट चेंज में बट मैसिव इम्पैक्ट दैट वुड हैव लेट टूवर्ड्स एवरी वन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग मैं बता दूं उसके बाद जनता को आपको ये बताने जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्या हो रहा है वो अवेयर हो जाएगी लेकिन जनता को यह पता है कि इधर से भी कुछ हो रहा है इधर से भी हो रहा है हो कुछ नहीं रहा है पन्ने पे सब कुछ आ रहा है आइए आगे बढ़ते हैं रिसेंटली डिस्कशन उभर कर सामने आया एक डिबेट बहुत पहले का डिबेट है इट वॉज अगेन ब्रॉट एंड टू द लाइमलाइट वेन आवर प्रेसिडेंट शी टॉक्ट अबाउट ऑन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ ट्वेंटी सिक्स नोवर शी टॉक्ट अबाउट ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस सो दिस एडिटोरियल पुट्स अप

तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एक नया सर्विस शुरू करने की बार बार बहुत सारे लोग प्रोटागोनिस्ट हैं कि शुरू किया जाए इट शुड बी प्रोमोटेड द एडिटोरियल टॉक्स अबाउट अब आप पूछिएगा कि सर शुरू होना चाहिए कि नहीं अगर ये इंटरव्यू पूछा जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे अगर शुरू हो सकता था तो अभी तक हो जाता ध्यान दीजिए शब्दों पर अगर शुरू हो सकता था तो अभी तक हो जाता शुरू नहीं हुआ है इसका मतलब है सी या ज्यादा डिस तो इंटरव्यू में आपको बहुत क्लेवरली हैंडल करना है जुडिशियल सर, पर माय व्यूज हैज प्रॉब्लम्स विद द कंसेप्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विस द ये देखिए यहां पर पहले फैक्ट जान लीजिए प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल थ्री वन टू ऑफ इंटर रिलेटेड मेंस में आपको ये आर्टिकल नंबर लिखना पड़ेगा और प्रीलिम्स में अगर आ गया आर्टिकल में क्या दिया हुआ तो आपको मार्क करना पड़ेगा आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर क्रिएशन ऑफ सर्विस ऑल इंडिया सर्विस की बात चल रही है एंड अडॉप्टेड बाय राज्यसभा विद टू थर्ड मेजॉरिटी एंड अ लॉ राज्यसभा है प्रीपोर्डरेंस डोमिनेंस ओवर लोकसभा सवाल बार बार आता है मेंस में प्रस में भी लोकसभा के ऊपर राज्यसभा कहां भारी पड़ रहा है ये देखिए हर जगह लोकसभा डोमिनेट्स बट एट सडन प्लेसेस ये देखिए आर्टिकल 312 और एक और आर्टिकल है जब स्टेट लिस्ट पर किसी सब्जेक्ट पर सेंटर प्लान करेगा सेंटर लेजिस्लेट करेगा पार्लियामेंट लेजिस्लेट करेगा कौन सा आर्टिकल है मुझे बता दीजिए सेंट्रल स्टेट रिलेशन का आर्टिकल तीन के अलावा तो ऐसा the that rules the नया एक्ट बनाना पड़ेगा और ऑल इंडिया सर्विस अगर आ गया तो उसके बाद एक नया एग्जाम होगा ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज का यूपीएससी ही लेगी उसे अगर हो गया तो ओके और उसके बाद एग्जाम का एक यूनिफॉर्मिटी आएगा देखिए लीगल एजुकेशन आएगा इन शॉर्ट कंट्री वाइड यूनिफॉर्मिटी के लिए ये डिस्कशन चल रहे हैं दैट ऑल इंडिया जुडिशियल ये देखिए लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म्स की ये टॉपिक में आइए कुछ डिस्कस करते हैं समथिंग वेरी वेल इफ यू टेक द कंसेप्ट ऑफ एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड एथिक्स इज नॉट ओनली अबाउट वैल्यूज एथिक्स इज ऑल्सो अबाउट कि एप्रोप्रिएट क्या है सबसे बड़ा पता क्या 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 होता है appropriate क्या है क्या सही है सही यहां पर All India judicial service, अगर emotion में flow करके बना दिया गया तो दिक्कत है स्टूडेंट्स क्योंकि क्या सही है आइए पढ़ा जाए आफ्टर एनरोलिंग लॉयर्स जुडिशल सर्विस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस स्पेशली फ्रॉम द फ्यूट लॉ फॉर नेशनल जुडिशियल सर्विस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन इन कंपैरिजन ऑप्शन अभी भी जो नेशनल लॉ स्कूल है ना हर जगह पुणे में भी पर, है यहाँ पर लॉ कॉलेज रोड है लॉ कॉलेज स्कूल है लॉ कॉलेज है यहाँ पर अभी भी वहां से मैक्सिमम बच्चा लोग कॉर्पोरेट फील्ड में जाता है कॉर्पोरेट लॉ ज्यादा उनके लिए पैसा देने वाला ये है और जुडिशरी में अगर आपको आगे बढ़ना है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आपको एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करना पड़ेगा और वही लोग जो इस फील्ड में एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड हैं कि हमें परस्यू करना है पेशेंस के साथ लंबे समय तक वो इस फील्ड में रहते हैं फॉर यू टू एग्जिस्ट एंड बिकम सक्सेसफुल इन जुडिशियर इन इन द जुडिशियल वन बेसिक इनग्रीडियंट इन इन साइड योर पर्सनैलिटी दैट इज पेशेंस यस पेशर्दर गिवन दैट द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस देखिए इसी पोजिशन के लिए स्टेट सर्विसेज पीसीएस जे का एग्जाम होता है देखा होगा आपने स्टूडेंट्स ये देखिए oh. तो यही डिस्ट्रिक्ट आर एलिवेटेड टू द हाई कोर्ट्स एंड उसी के बाद करियर प्रोग्रेशन शुरू हो जाता है सर्विस थोड़ा सा लंबा चलता है और डिस्कशन चल रहे हैं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लाया जाए लेकिन इट मे नॉट बी दस टू बी करेंट सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस थ्रू रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट एंड अदर सबॉर्डिनेट जुडिशियल थ्रू पब्लिक सर्विस कमिशन इज मोर कंड टू एंश्योर इन डायवर्सिटी तो अभी डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट ऑफिस के लिए पीसीएस का एग्जाम होता है दैट इज बेटर ऑफ यू नो वाई बिकॉज दे नो अबाउट द लोकल कंडीशन एंड लोकल प्रैक्टिस ऑल्सो जजेस विल नॉट गेट लोअर ब्यूरोक्रेसी जैसे कि आई एस और आईपीएस को मिलता है इन डिसीजन मेकिंग और इसका मतलब है उन्हें वहां की भाषा जरूरी पड़ेगी जानना अगर ऑल इंडिया सर्विस ले आया गया और कैडर अलॉटमेंट अलॉटमेंट हुआ तो लोकल कंडीशंस नहीं जानेंगे ये लोग भाषा नहीं जानेंगे और भाषा पर ही डिपेंड करता है कि आप कैसी दलील देते हैं दैट्स इट इन शॉर्ट वट एवर यू आर टेलिंग यू हैव द राइट टू गेट हर्ड ऑफ बाय द जुडिशरी लेकिन आप जो कह रहे हैं और वहां पर कोई ट्रांसलेटर है और मान लीजिए आप दिल्ली के आप चेन्नई में जाकर आपकी पोस्टिंग हुई है क्या ये चिंता की बात है स्टूडेंट्स टेल मी एंड दिस क्लियरली शोज दैट दिस क्लियरली शोज दैट बेटर देन बेटर देन दिस ऑफ मीन्स कैडर अलॉटमेंट इट्स बेटर कि हर स्टेट अपने यहां अपनी भाषा को फोकस करके और वहां पर जुडिशल ऑफिसर्स का पोजिशन फिलअप करे दैट्स इट आप कहेगा सर भाषा सीखने में आप मना क्यों कर रहे हैं भाषा सीख लेगा इंसान वहां जाकर भाषा सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है उस भाषा को समझना इंपॉर्टेंट है भाषा समझना आपने कहा सर भाषा समझने में क्या दिक्कत है सर लैंग्वेज समझने में क्या दिक्कत है किताब पढ़ लेगा नहीं किताब पढ़ पाए इमोशन नहीं क्योंकि जब कोई इंसान अपनी बात रखता है तो उसमें इमोशन भी रहता है जब कोई इंसान अपना आर्ग्यूमेंट्स रखता है तो उसमें इमोशन भी रहता है

रीजनल लैंग्वेज में मैं मराठी में जाकर इंटरव्यू दूंगा तो सर क्या मार्क्स नहीं मिलते क्या मराठी स्टूडेंट्स को मराठी या गुजराती या हिंदी ऐसा करके कोई ये नहीं है कि इनको मार्क्स कम दिया जाएगा नो द ओनली थिंग इज दैट योर वर्ड्स एंड इमोशंस इफ समन एल्स स्पीक्स एंड ट्रांसलेट द पर्सन कैन ट्रांस ट्रांसलेट योर वर्ड्स द पर्सन के नॉट ट्रांसलेट योर इमोशंस आई सपोज यू गॉट द फैक्ट टेल मी स्टूडेंट्स और इसीलिए मेरे आप बोलते हैं ना कि सर मीडियम वाइज दिस इज अ कॉमन मींस मार्केट में र्यूमर्स हैं कि सर मीडियम को इस मीडियम को इंपॉर्टेंस नहीं मिलता नहीं ये गलत है हर मीडियम को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलता है फर्क बस इतना है स्टूडेंट्स कि आप कैसे हैं और जो बीच में बैठा बंदा ट्रांसलेट कर रहा है वो कैसा है दैट्स इट इमोशंस कैन नेवर भी ट्रांसलेटेड नेवर एम्पैथी एक शब्द है जो बस थोड़ा सा हिस्सा कवर कर पाएगा एम्पैथी में कहा जाता है एम्पैथी आपके अंदर होना चाहिए उस जगह पर अपने आप को रखकर और सोचने समझने की शक्ति आप जब अपने आप को उस जगह पर रखिएगा तो अपने आप को भूलना भी पड़ेगा और यह नहीं हो सकता आज के समय में एम्पैथी की बात अगर इस तरीके से देखे तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी बहुत पहले दैट फोकस अपने ऊपर से खत्म हो जाए फोकस अपने ऊपर से खत्म नहीं होगा एम्पैथी भी आज की तारीख में पार्शियल में कन्वर्ट हो गया दैट्स इट सो ऑल सर्विसेज कॉन्स आपको लिखना है स्टूडेंट्स आज आपका टास्क है और आप लोग आंसर राइटिंग ग्रुप में नहीं दे रहे हैं आंसर्स आप दीजिएगा आंसर्स अगर कोई आंसर बहुत अच्छा होगा आई एम गोइंग टू गिव यू मार्क्स स्टूडेंट्स अपॉन द आंसर राइटिंग ग्रुप

आर्टिकल क्यों छपा है और क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है देखिए इस सेशन में आपको केवल पढ़ाया नहीं जाएगा यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज के लिए आर्टिकल क्यों है आपको यह बताया जाएगा यूपीएससी 2023 मेंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन वाज आस्ट कितने लोग एग्री कर रहे हैं जीएस पेपर टू पंद्रह नंबर सवाल आई पूछा गया था आईएमओ मैंने डिटेल में सक्षम कोर्स में लास्ट ईयर पढ़ाया था जनवरी के आसपास का तारीख है जनवरी के आसपास का मंथ डिटेल पढ़ाया गया ग्लोबल मैरिटाइम सिक्योरिटी को लेकर 50 साल पूरे हो रहे थे ओशन ओशन्स के सेफ्टी को लेकर लंडन कन्वेंशन के 50 साल पूरे हो थे लगभग और इसको लेकर मैंने डिटेल पढ़ाया था ये टॉपिक एक और भी रीजन था कि आईएमओ क्यों पूछा गया इंडिया ने एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला था इस साल उस विजन डॉक्यूमेंट का नाम था इंडिया मेरी टाइम विजन डॉक्यूमेंट टू थाउजेंड थर्टी ये देखिए ये उसी जनवरी की बात है दिस वॉज द रीजन वाई आई टुक अप दिस आई टुक अप दिस टॉपिक अब देखिए भले वो पेपर में ना छपे लेकिन एक रिसर्चर कार आई एजुकेटेड नीड्स टू तो बी अ रिसर्चर इन द कंटेम्पररी सिनारी ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन यस सो अलोंग विद ए एजुकेटर आई एम आल्सो रिसर्चर रिसर्चर का एक काम होता है कि अगर न्यूज़पेपर में ना भी आया हो तो खंगाला जाए और अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा है तो पढ़ा दिया जाए तो मैंने उसी विजन से ये पढ़ाया था टॉपिक इंडिया इंडियाज मैरिटाइम विजन पब्लिश हुआ है साथ में 50 इयर्स ऑफ लंडन कन्वेंशन हुआ था और उस पर लंदन कन्वेंशन के वेबसाइट पर आया था पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन और जो उस सेशन को पढ़ा था उसको ये आर्टिकल नहीं चाहिए जो उस सेशन में था सक्षम कोर्स में उसे ये आर्टिकल नहीं चाहिए और वो आई एम ओ के अच्छे से कंटेंट और फैक्ट के साथ बताया गया था फिलहाल ये आर्टिकल वही बात कर रहा है जो अभी तक डिस्कशन चला हुआ ये देखिए और मैरिटाइम विजन इंडिया ने लॉन्च किया और इसी साल ग्लोबल साउथ का समिट होता है वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ कुछ याद है स्टूडेंट्स इसी चैनल पर एक शॉर्ट्स अपलोडेड है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ देख लीजिएगा तो ये भी इंसान देखिए कंबाइन करके यही बता रहे हैं कि मैरिटाइम डोमेन में नए नए थ्रेट्स आ गए आप लोग भी बता सकते हैं स्टूडेंट्स फटाफट बताइए आपके आपके पास बहुत तेज दिमाग है एंड लेट मी नो थ्रेट्स इन मैरिटाइम ये देखिए थ्रेट्स न्यू थ्रेट्स ओल्ड थ्रेट्स बताइए मुझे This topic is also having a background in something called as geopolitics of Indian Ocean. Do you agree? Tell me, students. ye dekhiye Indian Ocean, resources, geopolitics. This back, this topic has a background. ye dekhiye तो कहा जा रहा है कि सर क्या-क्या threats -क्या से आप बता दीजिए ना. आइए देखते हैं हम ही बता दे रहे हैं क्या दिक्कत है. पहले से threats बताएं country के बीच में थे countries. ये ऐसी है देखिए. The first threats were पहले हम लोग पुराने थ्रेट्स देखेंगे जियो पोलिटिकल थ्रेड्स यस जियो पोलिटिकल एंड कंट्री कंफ्लिक्ट कुछ कंट्री कंफ्लिक्ट एग्जाम्पल दीजिएगा मुझे अगर ये सवाल आ गया तो देखेंगे हम लोग सेनकाकू आइलैंड सुना है आपने मुझे बताइए और कुछ सुना है आपने जिस पेरेम आईलैंड रेड सी के पास में ये सब पढ़ाया गया करंट अफेयर्स में इसी सेशंस में अगर आप वॉच कर रहे हैं जनवरी से तो एंड uh, इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी पलावन आइलैंड Uh, इसके अलावा स्टूडेंट्स दिस स्प्रैटली आइलैंड्स इसके अलावा दिस पैरासेल आइलैंड्स ये देखिए ये सब पढ़ाया गया है ये पहला टॉपिक सेकंड टॉपिक जो अभी तक मुद्दा चल रहा था ये देखिए माइग्रेंट्स क्रॉसिंग द ओशनिक एरिया मैरिटाइम एरियाज अभी जस्ट लास्ट वीक रवांडा यूके इंग्लिश चैनल याद कर लीजिए थर्ड मुद्दा सी पायरेट्स ये चला हुआ था मुद्दा पहले से यस ये देखिए यस आइलैंड्स आल्सो यस करेक्ट सी पायरेट्स फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट फिशरीज फिशरीज पर लास्ट ईयर से थोड़ा ज्यादा ही फोकस है डीप सी ट्रोलिंग इज किलिंग द इकोसिस्टम वो भी इन्होंने डिस्कस किया इसमें डीप सी ट्रॉलिंग यस फिफ्थ पॉइंट प्लास्टिक पॉल्यूशन इन ओशनिक एरिया सिक्स पॉइंट और बताइए स्टूडेंट्स देखिए इन्होंने यही सब लिखा वह एक ही जगह पर ही देखी दिस लेट्स सी लेट्स सी रिसोर्स एक्सट्रैक्शन यस रिसोर्स एक्सट्रैक्शन आइए देखते हैं आगे रिसोर्स एक्सट्रैक्शन वो सारा आर्टिकल हम लोग एक जगह पर नोट डाउन करना है देखिए उसके अलावा ब्लैक सी में प्रॉब्लम्स यस साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम देखिए एंड ऑल्सो यूज ऑफ सी फॉर अटैक्स ये देखिए लिखा हुआ इस जगह पर इजराइल हमास रशिया यूक्रेन उसके अलावा माइन पोलिश नेचुरल डिजास्टर्स इलीगल फिशिंग ह्यूमन ड्रग ट्रैफिकिंग वेरी इंपोर्टेंट ये देखिए याद करिए कुछ 26 सिगारा का टैक्स स्टूडेंट्स कहते हैं कि बाईसी रूट सब कुछ हुआ था और ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत कॉमन हो चला है वाया सी रूट से देखिए इसके अलावा दिस uh, सबसे बड़ी समस्या जो यहां डिस्कस की गई ग्लोबल साउथ के पास कोई विजन ही नहीं है एग्री कर रहे है, हैं मुझे बताइए ग्लोबल साउथ विजन? आइए देखते हैं सेवन पॉइंट नो विजन नो प्लान एट पॉइंट डेवलपिंग कंट्रीज लैक ऑफ फाइनेंस ये देखिए लैक ऑफ फाइनेंस कैसे काम किया जाए नाइन्थ पॉइंट ये देखिए नेशनल गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी अफ्रीकन कंट्रीज की बात चल रही है ये देखिए वही चीजें आ रही है बार बार स्टूडेंट्स देखिए एंड लास्टली 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 टेंथ पॉइंट रूल्स बेस्ड ऑर्डर आर बिंग बेस्ड ऑर्डर आर बिंग रूल्स बेस्ड ऑर्डर में क्या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स यूनाइटेड नेशन शन ऑन लॉ ऑफ़ लॉफ दी यूएन क्लॉज सुना होगा आपने देख लीजिए इट यही सबसे बड़ी समस्याएं और इंडिया का मैरिटाइम विजन देख लीजिए यहां पर ये यह डॉक्यूमेंट देख लीजिए आप लोग मैंने अटैच किया इंडिया मैरी विजन का डॉक्यूमेंट ही देखिए कंक्लूजन समरी इंडिया क्या टारगेट कर रहा है एट की इंटरवेंशन इंडियन पोर्ट्स पे क्या फोकस रहेगा रिन्यूबल एनर्जी एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट वाटर यूसेज ऑप्टिमाइजेशन इंप्रूविंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ड्रेजिंग मटेरियल रीसाइकलिंग जीरो एक्सीडेंट सेफ्टी प्रोग्राम ऑक्युपेशन हेल्थ मैनेजमेंट सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग ये देखिए मैं अटैच कर दूंगा इस पीडीएफ को चिंता मत कीजिए इंडिया टू एनहांस मैरिटाइम कोऑपरेशन इंडिया ने किसके साथ साइन किया देखिए म्यांमार इंडोनेशिया जर्मनी डेनमार्क नॉर्वे ऑस्ट्रेलिया इंडिविजुअल ओशन एग्रीमेंट साइन किया गया नोट कर लीजिए कंट्रीज के नेम्स

ब्रेकडाउन ऑफ अ कंट्री यस तो यही सारी चीजें हैं दैट्स इट एंड यस वन मोर थिंग ये देखिए द स्टेट आर यूजिंग इलेवन नंबर पॉइंट द स्टेट्स और कंट्रीज आर यूजिंग इट फॉर नेवल एक्सरसाइजेस नेवल एक्सरसाइजेज हैीजन ऑफ फाइट के लिए मीन चलाएंगे बंदूक चलाएंगे गोली लेकिन

रेसिंग मतलब ये आपका नफ्स नहीं दाल की बात चल रही है लाइबेंट का ये स्टूडेंट ये तूर दाल देखिए इयर ऑन ईयर इंक्रीज फोर्टी वन परसेंट उड़द दाल सेवेंटीन परसेंट मूंग दाल फिफ्टीन परसेंट मसूर एंड ग्राम दाल कम है मसूर दाल इसलिए क्योंकि इंपोर्ट हो जा रहा है ये देखिए दाल के प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं दाल तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी हम लोग सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। देखिए यहां पर आइए देखिए दलहन को लेकर क्या डिस्कस किया कंज्यूमर्स इन इंडिया यूज अ होल वैरायटी ऑफ पल्सेस, इंक्लूडिंग तूर प्रस क्वेश्चन तुर दाल को पिजन पी भी कहते हैं मसूर लेंटिल्स कहते हैं चना ग्राम कहते हैं उड़द ब्लैक ग्राम कहते हैं नोट करते जाइएगा मूंग ग्रीन ग्राम कहते हैं एज अ स्टेपल द मोस्ट रीसेंट डेटा फ्रॉम द कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट शोज दैट एक्सेप्ट फॉर लेंटिल्स द ईयर ऑन ईयर प्राइस राइज़ इन अदर वैराइटीज आर फ्रॉम 19% टू 41% ये देखिए दिल्ली में 50% प्राइस शूट कर गया है पल्सेस का ये देखिए रीजन क्या, क्या है भाई क्या परेशानी है कोई दिक्कत है क्या तो ये देखिए डेटा फ्रॉम द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री शोज एरिया अंडर रेन फेड खरीफ पल्सेस दिस ईयर वाज 11.5 परसेंट लेस देन फाइव एवरेज ओके एरिया अंडर पल्सेस डिक्रीजिंग लाइक एनीथिंग देखिए डिक्रीजिंग सेकेंड पॉइंट यानी प्रोडक्शन सात मिलियन टन ड्रॉप करेगा इस बार ये देखिए क्या बात है सेकंड पॉइंट रेन्स देखिए खरीफ क्रॉप है रेन्स इन मध्य प्रदेश ये देखिए कर्नाटक एंड महाराष्ट्र यही फेमस स्टेट्स हैं पल्सेस ग्रो करने के लिए है बारिश भी कम वरिंगली प्लांटिंग ऑफ विंटर ग्रोन पल्स ऑल्सो लैगिंग ओके विंटर पल्सेस विंटर ग्रोन पल्सेस प्लांटिंग एंड सोइंग लैगिंग बिहाइंड दाल सब कोई बोलता है खा लो खा लो प्रोटीन है बहुत अच्छा है खाओगे तो आगे बढ़ोगे दिमाग तेज होगा बच्चों को बुलाया बताया जाता है ओके और यूपीएससी में रैंक वन भी देते जाओगे बॉडी बिल्डअप हो जाएगा इसके दाम देख के ही बॉडी बिल्डअप हो गया रैंक वन आ गया देखिए यहां पर कारण केवल केवल एम एस पी या लो एकज या एरिया अंडर पल्स नहीं है कुछ नेचुरल कारण है देखिए ये जिसके पास कम जमीन है उस पर ग्रो होता है नो एक्सेस टू इरीगेशन ये देखिए लो इल्डिंग होते हैं तूर दाल एज कम्पेयर टू गेहूं एमएसपी ओनली डजेंट डिसाइड यील्ड आल्सो डिसाइड्स और मेरे हिसाब से तूर दाल में आरएनडी करना बहुत जरूरी पड़ गया देखिए यहां पर वैब हो एस पुट अप मोजाम्बिक की दाल खा रहे हैं सर टेस्ट नहीं आ रहा है अब दाल कहीं का भी खा रहे हैं नेचुरल है वही मनाइए कि नेचुरल खा रहे हैं कहीं ऐसा ना हो जाए कि लैब ग्रोन पल्सेस एल खाने का अलग डालना पड़ा आगे चलकर लाइब लैब ग्रोन डायमंड्स हो 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 रहे हैं लैब लैब ग्रोन ग्रोन मीट रहा है पल्सेस जाएंगे तो सब खत्म जाएगा ये देखिए तो जैसे इरिगेशन मिला फार्मर्स को देखिए तो फार्मर्स फार्मर लाइक इरीगेशन नहीं है चलो तूर दाल ग्रो कर दे रहे हैं। सरकार पानी दे रही है अगले साल से अब तूर दाल नहीं ग्रो करेंगे अब गेहूं एमएसपी एस पी लग रहा है जंग जीत गए हैं ये देखिए सो फार्मर्स आर स्विचिंग टू हाई सीरियल्स फ्रॉम पल्सेस बिकॉज ऑफ दूर दाल इज नो क्लियर टेन मी स्टूडेंट्स आज समझ में आया आप लोगों को फैक्ट्स प्रेम्स में आ सकता है कॉज द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाई वॉट आर द रीजन बिहाइंड पल्सिस प्रोडक्शन नॉट राइजिंग अप फर्स्ट द पल्स आर जनरली लो बिल्डिंग एज कंपेयर टू ग्रेन्स या सीरियल्स ट्रू स्टेटमेंट सवाल आ जाएगा क्लियर तो अब इंपोर्ट हो रहा है देखिए अब एक ही रास्ता है इंपोर्ट कौन कौन से देशों से इंपोर्ट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया कैनेडा मोजाम्बिक मालावी म्यांमार ये देखिए जिससे भी मीस जिस जैसे जा रहे हैं वहां पर हेलो हवा यू आई एम फाइन दाल इंपोर्ट करना था अरे आइए सर पहले बैठिए और चाय पीजिए नहीं नहीं बस दाल इंपोर्ट करना दाल बताओगे दाल है तो यहाँ बैठेंगे दैट्स इट ये कंडीशन आ गई अफ्रीकन कंट्री से तो ऐसा है कि अफ्रीकन कंट्रीज देखते ही पहचान जाती है अच्छा दाल मांगने आए हैं क्या ठीक है लेकिन दाल हमारे यहाँ हो ही नहीं रहा हमारे मिलिट्री कूप हो रहा है ट तो देखिए यहां पर इंडिया like Ethiopia, अब यह देश बचे हैं। ये सबसे बड़ी बात और एक पॉइंट क्यों इन्फ्लेशन बढ़ रहा है जिसको जो दाल पसंद है उसको वही दाल पसंद होती है देखिए इंडियन किचन टू मेक साम्बर कैनोट बी रिप्लेस बायटिल्स देखिए और आपने देखा होगा दाल को लेकर आपका भी टशन है मैं केवल तूर दाल खाता हूं सर तो कोई बोलेगा मूंग दाल बना है नहीं खाएंगे सबके डाइट का हिस्सा है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल आई प्रेफर तूर दाल बहुत ज्यादा मूंग दाल बनता है तो वैसे ही मूंग दाल देखते ही चेहरे पर कुछ कुछ एक्सप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं घर में अगर बनेगा तो गॉट इट तो ये सब कारण स्टूडेंट्स दाल के प्राइसेस राइज करने के पीछे देखिए आपका डाइट भी कारण है आप अपना टशन नहीं छोड़ रहे हैं इट्स लाइक तैयारी छूट जाए लेकिन दूर दाल ही खाएंगे आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आरबीआई लेटेस्ट मूव टू इंक्रीज रिस्क वेट्स फॉर लेंडिंग द हिंदू एक्सप्लेन पेज इकोनॉमी पेपर थी बैंकिंग सेक्टर दिन बहुत हो गए थे याद आ रही थी तुम्हारी बैंकिंग सेक्टर के टॉपिक को देखकर यही याद आता है दिन बहुत हो गए थे याद आ रही थी तुम्हारी बहुत दिन से बैंकिंग सेक्टर का न्यूज नहीं आया था आ गया और जब आया तो बहुत बड़ा न्यूज आया बैंकिंग सेक्टर गायब रहता है चार पांच साल तक और जब आता है न्यूज में तो उसके बाद या तो धराशाही करता है या आपको उठाकर उड़ा देगा ओके तो बैंकिंग सेक्टर या तो खूब नेगेटिव न्यूज आएगा या खूब पॉजिटिव और अगर खूब नेगेटिव आ रहा है है उसमें भी दिक्कत खूब पॉजिटिव आ रहा है है उसमें भी दिक्कत पॉजिटिव न्यूज आया था अभी लैंडिंग बढ़ गया क्रेडिट सब कोई आकर लोन ले रहा है ये सो एवरी वन इज कमिंग मुझे भी लोन चाहिए मुझे भी लोन चाहिए दैट्स इट लगा कि लोन दे रहे हैं या ग्रांट दे रहे हैं नहीं मालूम चल रहा है ये देखिए ओके okay. ग्रांट दे रहे हैं या लोन दे रहे हैं? लोग लाइन लगा के खड़े हैं व्हीकल लोन हाउस लोन क्रेडिट कार्ड सारे कार्ड लोन सब कुछ सो मिस्टर द गवर्नर ऑफ आरबीआई मिस्टर शक्ति दास दास लाइक ओके ओके यार ये तो लंबी लाइन लगी है लोन के लिए हर बैंक के बाहर थोड़ी दिक्कत भी है ये लोन लेना क्यों चाह रहे हैं लोग तो खुश हुई आप नहीं नहीं खुश नहीं होना है लोन लेकर फिर वापस भी तो करना होता है जो वापस करने की लाइन है वहां पर कोई नहीं है और जहां पर लेने की लाइन है वहां पर सबको है और वापस पैसा रखकर पॉकेट में फिर से लाइन में लग जा रहे हैं ये लोग कभी व्हीकल लोन कभी कार लोन कभी मोटरसाइकिल लोन कभी हाउस लोन कभी खुद का लोन कभी क्रेडिट कार्ड लोन ये देखिए एंड देन आरबीआई कम्स आउट विद द डायरेक्शंस उसे मालूम चल गया दिक्कत चल रही है और ये लोन में एक स्पेक्युलरिटी देखी गई है इस बार स्टूडेंट देखिए क्या पेक्यूलियरिटी देखी गई है देखिए बैंकिंग सेक्टर सेम एज अगर परेशानी होती तो अपने आप को करता है तो क्या दिखा इस बार कि कॉमर्शियल बैंक कॉमर्शियल बैंक से कुछ एग्जाम्पल दीजिएगा स्टूडेंट ये देखिए उनसे लोन नहीं बढ़ रहा है दे आर लैंडिंग टू एनबीएफ एंड एनबीएफ का लोन रेट लोन बढ़ गया है ये कितना बढ़ा है देखिए कितना एरो से देखिए यहां पर स्टूडेंट्स फिलहाल एक सवाल आया है दैट दाल मखनी में कौन सा होता है पल्स मसूर होता है ओके तो एन बी ये देखिए अब आरबीआई को लगी चिंता

तो अब एनबीएफसीस का लोन का जो लोन देने का रेशियो है बढ़ गया कमर्शियल बैंक सर लाइक हमारे यहाँ तो कोई नहीं आ रहा हमारे यहां एनबीएफसी वाले आ रहे हैं ठीक है यार तुम ही ले जाओ तुम ही किसी को लोन दे दो वापस कर देना एनबीएफसीस आर लाइक हमारे पास आएगा तो वापस कर देंगे नहीं आएगा तो फिर है ही सब कुछ आइए आगे बढ़ते हैं

क्लाइमेट चेंज कोविड देखिए इसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्रायरिटीज तो बेजल नॉर्म्स थ्री में आया था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये देखिए यानी जितना लोन दे रहे हैं आप उसे आप कैपिटल मान रहे हैं क्योंकि वो पैसा लेकर आएगा वापस तो हर लोन क्या पैसा वापस लेकर आता है नहीं तो हर लोन को एक वेट दीजिए वेट का मतलब क्या होता है क्रेडिट वेट रिस्क वेट कि ये नहीं आएगा इसका वेटेज जितना यानी लोन देते समय ही डिसाइड कर लीजिए कि, कि किसके कम चांसेस और किसके ज्यादा चांसेस पैसा आने के उसके हिसाब से वेटेज दीजिए लोन को और उसी वेटेज को बढ़ा दिया गया है रिस्क वेटेज ये देखिए अभी यही आया स्टूडेंट्स न्यूज हैज द आरबीआई प्रोपोज द आइडिया टू मीट

हाउसिंग लोन लोअर रिस्क है पर्सनल लोन हाइयर रिस्क है बात समझ में आ रही है टर्मी स्टूडेंट्स तो हर लोन का अब रिस्क बढ़ा दिया गया है इसका मतलब साफ है आरबीआई कह रहा है कि हाउसिंग लोन भी दोगे तो अब उसका रिस्क बढ़ गया है इसका मतलब क्या है आपको ज्यादा रिस्की लोन्स नहीं देना यानी आपको लोन देना ही नहीं यू विल फाइंड नाउ द बैंक इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट इन द कमिंग डेज इंटरेस्ट रेट्स एंड एक फायदा भी होगा आपके लिए यू फाइंड नो मोर फोन कॉल्स कमिंग ऑन योर नंबर हेलो आपके लिए क्रेडिट कार्ड तैयार है अब नहीं आने वाला है आरबीआई ने कह दिया है अब देना बंद दैट्स इट एज इट क्लियर मी स्टूडेंट्स आरबीआई का ये स्टेप इट्स द सेम थिंग मैं इसको इजी तरीके समझा रहा हूं आपके घर में जैसा होता है फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा टीनेज में बारह तेरह साल का किसी फ्रेंड के पास गया क्रिकेट खेलने के लिए फुटबॉल खेलने के लिए तो क्रिकेट दिन भर खेलता रहा वापस आया तो कहा गया अगली बार उसके पास गए तो फिर दो झापड़ लगेगा तुम्हें रिस्क बढ़ गया उसके पास जाने का उसके बाद एक और द सो कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ द जोक्स ऑफ शर्मा जी का बेटा कोई है उसके घर आप गए पढ़ने के लिए वो भी आपके घर आ गया पढ़ने के लिए दिन भर पढ़ाई हो रही है मीन शॉक कैसे ये पढ़ रहे हैं ये लोग क्लास आठ क्लास सेवन में इतना पढ़ रहा है यूपीएससी में कितना पढ़ेगा नहीं समझ में आ रहा है नहीं नहीं वो सही लड़का है उसका risk, उसका लो लो रिस्क रिस्क वेटेज इज उसके साथ तुम रहो। उसके साथ तुम रहो तो तुम रहो रहोगे तो तुमको समोसा मिलेगा मोबाइल मिलेगा देख रहे हैं यही चीज है मालूम चला कल को शर्मा जी का बेटा भी उसके साथ जाकर मिल गया और खेलने लगा क्रिकेट दूसरे के साथ में जिसके पहली बार गए थे तो उसका भी रिस्क बढ़ जाएगा आप यही यहां पर हो रहा है स्टूडेंट्स अब आरबीआई इज लाइक योर पेरेंट इट इज वट इट इज बैंक आप बैंक की तरह हैं आपको यहां देना है पैसा वहां देना है रिस्क है रिस्क मत बढ़ाओ घर पे चुप होकर बैठ जाओ चुपचाप नहीं निकलना है कहीं इट द सेम थिंग यहां पर आरबीआई कर रहा है रिस्क बढ़ा दिया उसने वेटेज परसेंटेज पॉइंट इट आई होप यू गॉटेड स्टूडेंट टेल मी ना हाउसिंग लोनो विल द क्रेडिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड का रिस्क पच्चीस बढ़ा दिया गया तो बैंक को अगर दिखाना है तुम्हारे पास कितना कैपिटल है जी कितना पैसा है जितने इन्वेस्ट किया दो करोड़ रुपए है

क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शन नॉट क्वानिटेटिव आपने अभी तक क्वानिटेटिव पढ़ा होगा क्या होता है रेपो रेट रिवर्स रेपो आपने पढ़ा हुआ बैंक रेट दिस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट एमसीएल रेट ये उसके अलावा दिस इज क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शन रिस्क वेटेज बढ़ा इसका मतलब साफ है लोन कम कीजिए इंपैक्ट अपॉन द मॉनिट्री पॉलिसी लोन कम करने के लिए क्यों कह रहा है आरबीआई क्योंकि क्यों, क्यों, उसे पूरा विश्वास है कि ये लोन वापस शायद आप समझ रहे ना ये देखिए रिटर्न इन शॉर्ट इट इज अफ्रेड द लोन्स माइट बिकम एनपीए एज हैज बीन रिटर्न इन द चैट बॉक्स क्या ये डायरेक्ट एक्शन में आएगा नहीं डायरेक्ट एक्शन में नहीं आएगा दिस इज नॉट अ डायरेक्ट एक्शन डायरेक्ट एक्शन रहता तो साफ साफ आरबीआई कहता लोन मत दो आरबीआई कह रहा तुम लोन देना दो मैं रिस्क बढ़ा दो ये एक तरह से इनडायरेक्ट परसुएसिव एक्शन है एल्स <laughs> तो बस स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है इसका मतलब साफ है मोरल ऑफ द स्टोरी रेडी रहिए है रेडी रहिए किस चीज के लिए एग्जाम के लिए आप एग्जाम के लिए रेडी रहिए देश इलेक्शन और बैंक रेडी होगा साल दो साल में एनबीएफसी ने लोन दिया है 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 तो तो समझ लीजिए क्या दिक्कत है। दिक्कत स्टूडेंट्स तो और अगर ये साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ ठीक से तो इसका मतलब यही है कि फिर से बैंक में पैसा प्रिंट करके डालना पड़ेगा कैपिटलाइजेशन होगा इसका नेट रिजल्ट इन्फ्लेशन

बेटा तुमने ईएमआई भरा अपने हाउसिंग का नहीं पापा चॉकलेट का वेट कर रहे हैं वो आएगा तभी जाकर ईएमआई भरेंगे द एनबीएफसी आर लाइक चॉकलेट नहीं अभी मैं भेज रहा हूं ना किसी को वो बताएगा कि चॉकलेट कहां है दैट्स इट सो एनबीएफसी के जो तरीके हैं लोन वापस लेने के वो ठीक नहीं है दैट्स इट यही था आज के लिए स्टूडेंट्स नमस्कार जय हिंद धन्यवाद आप सभी लोगों का इस सेशन में सुनने के लिए और रहने के लिए टेक ग्रेट इंपॉर्टेंट मैरिटाइम आपने देखा सिक्योरिटी uh, रिस्क uh, क्या क्या होते हैं मेंस के लिए इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स आल्सो दिस ईयर आपने देखा स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुडिशल सर्विसेज जुडिशल रिफॉर्म्स की बात चल रही है उसके पहले आपने पढ़ा स्टूडेंट्स

यस yes, वैभव बहुत सटीक सवाल है वैभव has asked a very very good question and uh, uh, आप लोग रिपीट कर लीजिए क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है प्रिया मिश्रा आल्सो आस्क्ड अ क्वेश्चन आरबीआई इन द फाइनेंस सेक्टर अभी तक पूरी तरह से ग्रामीण एरिया में क्यों नहीं पहुंचा है प्रिया uh, का मैं पहले आंसर करता हूं सवाल दिस इज रिलेटेड विद अ सब्जेक्ट और वैभव का सवाल बहुत ही चैलेंजिंग एंड टफ है अभी आंसर करेंगे नो नो वरीज सो फॉर्मल सेक्टर क्यों नहीं पहुंचा है विलेजेस में देखिए फॉर्मल सेक्टर को भी एक समथिंग कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी कंसेप्ट देखना पड़ता है प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि द रूरल एरियाज आर नॉट गिविंग प्रॉफिट टू द फॉर्मल सेक्टर द बैंक कॉमर्शियल बैंक और कमर्शियल बैंक जहां नहीं पहुंचे वहां ग्रामीण बैंक शुरू किया गया ग्रामीण बैंक में भी दिक्कत आ गई देखिए सवाल यहां पर एक जो बैंक्स ओपन अप गांव में उसको लेकर एक फंसा हुआ कंसेप्ट है पहला अगर बाहर से वहां मैनेजर जाएंगे और स्टाफ जाएगा तो वो संभाल लेंगे प्रोफेशनल तरीके से लेकिन दिक्कत ये होगी दे आर अनएबल टू कनेक्ट विद द लोकल पॉपुलेशन आई होप यू एग्री टेल मी स्टूडेंट्स विल दे बी अनएबल टू इंटरेक्ट विद द लोकल पॉपुलेशन यस और जब और जब वेब हो मैं आपका आंसर करूंगा क्वेश्चन का बने रहिए एंड दूसरा पॉइंट अगर आप लोकल्स को वहां पर इन्वॉल्व कीजिएगा तो प्रोफेशनलिज्म चला जाएगा और ग्रामीण बैंक में सेकेंड वाला कंसेप्ट हुआ और कॉमर्शियल पहला वाला इन पेनेसिया क्या इसको ठीक कैसे किया जाए इसको ठीक करने के लिए सरकार को एक्टिव स्टेप देने पड़ेंगे एक इंस्टीट्यूशन सेटअप करना बड़ी बात नहीं होती है जितना कि उसके उसको लोगों तक पहुंचाना इसी को कहते हैं सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन गैप प्रशासन और लोगों में एक गैप एग्जिस्ट कर रहा है बैंकिंग भी उसी का एक हिस्सा है yes, गांव में अगर आप जाइएगा तो किसी को आप बोलेगा थर्टी सिग्नेचर्स करके लोन ले जाओ तो बोलेगा इससे अच्छा है कि मैं लोन नहीं दूंगा जाओ नमस्कार टाटा बाय बाय यही कहेगा ना कोई मुझे बताइए पता नहीं कहां साइन करवा दिया और यहीं पर दिक्कत होती है तो प्रोफेशनल टच लोकल टच ये दोनों चीजें जिस इंस्टीट्यूशन में आ जाएंगी उस दिन बैंकिंग सेक्टर सफल हो जाएगा कहां पर इन द रूरल ले एरिया लेकिन दोनों को लाना बहुत मुश्किल है बहुत ही मुश्किल नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल जरूर है डेडिकेटेड एम्बिशियस अप्रोच लाना पड़ेगा इसके लिए जो नॉर्मल जो ऑलरेडी यूज टू अप्रोचेस है दे आर नॉट गोइंग टू प्ले अ बिग रोल आउट है आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ वैभव का सवाल आया है सफलता क्या है देखिए वैभव मैं बस इतना जानता हूं सफलता के अलग अलग मायने और मापदंड हैं सक्सेस को लेकर डेवलपमेंट को भी लेकर अलग अलग मायने और मापदंड हैं और सबसे बड़ी चीज यू कांट चेंज द थिंकिंग of an individual, of any society, of any country. Yes. When you grow up, when I was in the twenties, let me tell you, and I was preparing for UPSC. I was studying. मेरे लिए सफलता UPSC में rank लाना था. जब UPSC के attempts चले गए, दो interview मैंने दे लिया. 2007 में दो numbers मेरा miss हुआ. तो उसके बाद जब UPSC चला गया, तो मैंने सोचा अब किस लिए पढ़ाई मींस अब पढ़ाई कैसे करे क्यों करें पढ़ाई लेकिन मेरे से पढ़ाई छूटी नहीं रही थी इनफैक्ट द पीपल अराउंड मी वर नाउ वस्विंग क्योंकि कहीं ना कहीं आदत लग गई थी पढ़ने की रिजल्ट हट गए थे सामने से ट्वेंटीज़ की थर्टीज का एज आया जब अपने काम मीन्स सेल्स टैक्स में थे या यहां पर आए पुणे में पुणे में एक बैच पढ़ा कर गए थे सेल्स टैक्स में तो उस बैच में से सब कोई क्वालिफाई कर गया था उसी बैच से शीकेश लतकर रैंक 58 ऑल इंडिया 2011 प्रशस्ति पारी ऑल इंडिया रैंक 23 2012 आई सपोज शीकेश वाज इन माय स्टूडेंट ओनली डेडिकेटेड कंप्लीटली मतलब कि पढ़ाई हुई थी उनकी मेरे अंडर में तो दो हजार बारह के आसपास यानी थर्टीज के एज में जैसे ही एंटर किए उसके बाद मेरे लिए डायमेंशन हो गया सफलता का अपने काम पे फोकस करना और थर्टीज का एज होता है आप थर्टीज में आइएगा ना आप अपने काम में बहुत ज्यादा मन लगेगा आपका आपके लिए वही सफलता हो जाएगी यस थर्टीज में आप मिस्टेक्स भी कीजिएगा लेकिन बहुत अच्छे आप काम में एम्बिशियस रहिएगा आप जो काम उठाइएगा आपको लगेगा कि आज कर ही देंगे लेट थर्टीज मैं मैंने अपने एक एक चे, अपने अंदर एक चेंज चे देखा काम जो वैरायटी करने का फोकस था सिमट रहा था लेकिन परफेक्शन आना शुरू हो गया था सारे काम में और तब मुझे लगा कि पूरा जो हमारा लाइफ साइकिल का ड्यूरेशन है जो प्रकृति ने सेट किया है नेचर ने आई सॉ दिस चेंज इन माई सेल्फ लेट मी टेल यू तो टेन ईयर्स बैक यू माइट बी यू माइट समथिंग जैसे करंट अफेयर्स आया या कुछ आया तो मैं पढ़ा रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं बहुत मन से अच्छे से पढ़ा रहा हूं बैकग्राउंड भी पढ़ा रहा हूं वहां पर लेकिन अभी बैकग्राउंड के साथ में एक चीज जुड़ गया परफेक्शन और ये आप अपने अंदर भी चेंज देखिएगा मैं ये क्यों कह रहा हूं लाइफ फुल स्केल पर जीना ही सफलता है जैसे जैसे जो जो पड़ाव आते जाए बस उसी पड़ाव को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते जाइए ना पास्ट की तरफ देखिए ना फ्यूचर की तरफ सक्सेस इज ऑल अबाउट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट नथिंग एल्स नथिंग एल्स नथिंग लेट मी टॉक सक्सेस एम टीचिंग यू इफ आई एम टीचिंग आउट द टॉपिक ऑफ आई एम ओ और योजना करुक्षेत्र आपने कल मैपिंग सेशन देखा मैपिंग सेशन में मैंने खुद से मैप बनाया है आप देखिएगा मैंने कलर किया है खुद से आपने देखा है इस चीज को लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा उसे कहते हैं परफेक्शन लाना अपने काम में और पता है ये नेचुरल होता है ये कोई इंपोज नहीं कर सकता आपके ऊपर उस एज में आप 35 छत्तीस उम्र के बाद आप 45 तक पचास तक मैसिव परफेक्शन लाइएगा अगर आपने कोई काम सेट कर लिया उसमें यू अचीव हाइप्स, जस्ट गो नॉर्म ऑफ द नेचर यस डोंट ब्रेक इट इज वर्क सक्सेस इज लिविंग लाइफ इन द प्रेजेंट मोमेंट सक्सेस इज वट एवर यू आर डूइंग नाउ नथिंग पर डेविएशन आएगा डेविएशन कम होना शुरू हो जाएगा अभी ट्वेंटी रहता है कुछ माइंड में सेट नहीं रहेगा थर्टीज में थोड़ा कम होगा एड लेट थर्टीज में सेट हो जाएगा ओके okay. सेट जैसे कंक्रीट सेट होता है दीवार सेट हो जाती है वैसे ही सेट हो जाता है दिमाग की मुझे ऐसा काम करना है दैट्स इट इसीलिए आपने कहा ना मैं एक कंसेप्ट मानता हूं जो लीडरशिप में रहना चाहिए लीडर्स में लीडर्स को लेकर एक सबसे बड़ा कंसेप्ट यही रहता है लिव इन द प्रेजेंट फोकस अपॉन द कंट्रोलेबल्स एंड डोंट

अच्छी बात है आगे बढ़ते जाइए क्या सबको ऐसा ही है नहीं क्या यूपीएससी एज प्राप्त करते हैं इस फील्ड में यस यूपीएससी स्टडीज डेडिकेटेड फैशन यू आर नॉट गोइंग टू फेल इन लाइफ लेट मी टेल यू आपका जीवन जीने का तरीका ही बदल चुका है आप और नहीं बदला तो बदल दीजिए आप आप काफी अलग हैं बाकी लोगों से बाकी लोगों को गाड़ी मोबाइल फोन दिखावा हर जगह फोकस होगा आपके अंदर नहीं होगा दैट इज ट्रू यूपीएससी एंड इफ यू आर शोइंग ऑफ अबाउट व्हाट यू हैव डन और व्हाट यू हैव अचीव्ड आई एम सॉरी टू से यूपीएससी हैज नॉट गोन इन टू योर वेन्स यूपीएससी शुड गो इन टू येन्स इफ यू आर डूइंग द प्रिपरेशन नथिंग एल्स क्लियर nah? और अपने अस्तित्व पर कभी सवाल मत खड़े कीजिएगा कभी नहीं भले दूसरे सवाल खड़े करते रहे उसे गैस लाइटिंग कहते हैं गैस लाइटिंग इज अदर्स स्टार्ट बुलिंग यू और टेलिंग यू आर नॉट केपेबल नो नो वन कैन जज यू एंड नो वन हैज देखिए अगर आई क्यू का लेवल देखा जाए तो कुछ बहुत इंटेलिजेंट लोगों को छोड़कर आई क्यू सबका बराबर होता है आई कई क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स अप्रोच इन योर वर्क दैट्स इट अगर आप एकाग्र होकर काम कर रहे हैं आपसे बेहतरीन आई क्यू एलॉन मस्क का भी नहीं है मैं बता दूंगा तो अपनी काबिलियत पे कभी शक मत कीजिएगा आगे बढ़ते जाइएगा सफलता आपसे आगे बढ़ती जाएगी इसीलिए उसे सफलता कहते हैं बिकॉज सफलता जब अगर हाथ में आ जाए तो कैसी सफलता सफलता आगे बढ़ती जाएगी आप और आगे बढ़ते जाइएगा सफलता आगे बढ़ती जाएगी आप और आगे बढ़ते जाइएगा अगर सफलता आपके पीछे छूट जाए तब आपको दिशाहीन आपको जाइएगा जीवन में इसलिए इट्स तो बेटर लेट द सक्सेस वर्ड गो अहेड। दैट्स इट। बस धन्यवाद नमस्कार एंड करते हैं आज का सत्र होप यू लाइक द सेशन शेयर इट टू मेनी पीपल दोज़ हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एंड यस फाइव थाउजेंड पीपल से ज्यादा लोग तैयारी नहीं कर रहे यूपीएससी की से याद रखिए आप भी उसी में से आप सभी लोग सीरियस हैं मुझे पता है यहाँ पर जो लोग सुन रहे हैं